Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and well, and your tests are going on very well. So, today's our discussing topic will be that is the poem that is written by William Shakespeare. Okay, so we know very well about William Shakespeare. So that is why. So I'm not going to give a vast introduction about William Shakespeare. Okay, already my previous video I mentioned about a little background of William Shakespeare. You can see and find from there. Okay, if you go to the playlist of Rajasthan University, either Vardhaman Mahavir Open University, and you can see from there. So, before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are watching this video, please subscribe it. At the same time, hit the bell icon also. So then, let's begin. So, in this poem or in this lecture, I would like to tell you about introduction of the poem. At the same time, summary of the poem. The next part we will discuss about critical analysis of this poem. Okay, so then critical analysis along with rhyming scheme. Okay, so this lecture will be in Hindi and English. Already I have uploaded one video, that is a screen recording video. Okay, so if you like to read the poem and explanation, you can see the screen recording video from my playlist of Vardhaman Mahavir Open University. Okay, so then let's begin. The introduction is like this. In this poem, the poet speaks about the true nature of love. What he speaks? He speaks about two true nature of love. मतलब इस poem में वो प्रेम की सच्ची चरित्र के बारे में बताते हैं. True love is that which cannot be altered by anyone or changed by itself. True love जो होता है वो कभी भी क्या नहीं होता कि वो बदलता नहीं है. ठीक है, ये ट्रू लव कभी भी बदलता नहीं है, है ना, किसी के द्वारा नहीं बदला जाता है, या ये अपने आप में कभी बदलता नहीं है. ये किस प्रकार है? लाइक द पोल स्टार विच गाइड्स शिप इन द अनचार्टेड ओशन, लव गाइड द लाइफ ऑफ मैन टू इट्स राइट डेस्टिनेशन. ओके, द ट्रू लव, देर इज ए कंपैरिजन ऑफ ट्रू लव. ट्रू लव को इस प्रकार कंपेयर किया जाता है कि दिस इज जस्ट लाइक ए पोल स्टार, ये एक ध्रुव तारा के समान है, जो कि जो साइलर्स होते हैं जहाज में समुद्र में जाते हैं तो उनको वो क्या करती है, गाइड करती है. ठीक है, गाइड करती है और उनको अपने राइट डेस्टिनेशन यानी सही दिशा के ऊपर पहुंचने में उनको मदद करती है. ट्रू लव कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय टाइम एज और डेथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रू लव जो है वो कभी समय के आधार पर, है ना, या तो फिर वो कभी एज के आधार पर वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, मतलब खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती है. दिस इज द पोएट असर्ट इज ट्रूथ. द पोएट कॉल लव आज द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड. आज का जो लेसन है, मतलब आज का जो पोएम है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड. सो इन दिस वे हियर ही सेज दैट व्हाट इज ट्रू लव. सो इस पोएम में सच्ची प्रेम क्या होता है उसको ये बताते हैं. सो एक्चुअली दिस इज अ लव पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर. सो लेट अस लुक अबाउट समरी ऑफ द पोएम. ओके, सो ट्रू लव डज नॉट चेंज
फॉर द वर्ड्स, ओके, बुराई के बदले सच्ची प्रेम क्या नहीं होता, कभी बदलता नहीं है ना, वो कभी नहीं बदलता, इट रिमेन्स ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य के साथ और सच्चाई के साथ ही रहता है। इट कैन क्रॉस ऑल हर्डल इन इट्स वे, टू लवर्स मस्ट यूनाइट डिस्पाइट हर्डल एंड ऑब्स्टेकल्स। ट्रू लव क्या करता है, बहुत सारे संघर्ष को करता है, ओके, बहुत सारे संघर्ष को करता है और वो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, बहुत सारे संघर्ष उसके जीवन में आता है लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस हैव नो कंट्रोल ओवर ट्रू लव, ए ट्रू लव डज नॉट गिव अप हिज ट्रू लव इवन ऑफ हिज बिलव्ड एंड शोस साइन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इंडिफरेंस। तो सच्चा प्रेम क्या नहीं करता, वो परिस्थिति के आधार पर कभी कंट्रोल नहीं होता है, परिस्थिति के आधार पर कभी बदलता नहीं है, मानो कि अभी हाँ कर दिया फिर बाद में ना कर दिया, अभी प्रेम कर दिया बाद में नहीं मतलब घृणा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। और ट्रू लव क्या नहीं करता है कि वो अपने वो जिसको प्रेम करता है उसका जो मुरझाया हुआ स्थिति को देख करके, यानी जैसे कि उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ब्यूटीनेस है वो ख़त्म हो जाता है, जो चार्मनेस है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी स्थिति में वो पीछे मुड़ता नहीं है, मतलब पहले जितना प्रेम करता था अभी भी उतना ही क्या करता है, वो प्रेम करता है। सो इवन इफ द बिलव्ड स्टार्ट आर ग्रोइंग कोल्ड एंड लवर डज नॉट बिहेव कूली, हिज लव रिमेन ट्रू एंड फ्रेश आस एवर। ये लवर जो है कितना कूल में आ जाए, ये लवर जो है कितना मतलब एक नेगेटिव कंडीशन में आ जाए, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला कभी बदलता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक वाइफ एंड हस्बैंड जवान के समय पर जैसे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ठीक है ना, और बुढ़ापे की अवस्था में भी ऐसे ही एक दूसरे को प्रेम करना जरूरी है। यानी सच्चा प्रेम बुढ़ापे की अवस्था में या तो फिर मध्यम एज की अवस्था में क्या नहीं होता, बदलता नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, नए शादी में खूब प्रेम होता है लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे वो कम पड़ने लगता है, तो इसी को ट्रू लव नहीं कहा जा सकता है। द पोएट डिफाइंस ट्रू लव विद द हेल्प ऑफ ग्रैंड सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। सो हियर इन दिस पोएम वी कैन सी दैट About a lighthouse stand in the ocean to guide ships. There are a tempest and tidal waves, but the tower does not break. It stands in its place firmly. It weathers all storms like a hero. Similarly, true lover faces all storms with smiles. And win the game of love. They remain united and never waver. This is suggestive simile. True love does not leave its grandeur. When challenged, it remains firm. Okay. True love, यहाँ पे एक तुलनात्मक के रूप में एक लाइट हाउस को रखते हैं पोएट। एक लाइट हाउस जो है वो समुद्र के किनारे में रहती है, ठीक है, और ये हमेशा जो साइलर्स होते हैं यानी जो जहाज चलाने वाले होते हैं उनको दिशा निर्देश देती है ना कि वो कहाँ पर है, ठीक है, वो लाइट हाउस को देख करके वो पहचान लेते हैं कि वो कहाँ पर है। तो एनीवे लाइट हाउस हमेशा समुद्र के किनारे में रहती है, कितने तूफान आता है, कितना बड़ा बड़ा लहर आता है, सुनामी आता है, बहुत कुछ सुनामी आता है, बहुत कुछ चीज़ उसको हिट करता है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो बिल्कुल फ्रीमली स्ट्रांगली
बिना हिले वो क्या होता है, खड़ा होकर के रहता है, कभी झुकता नहीं है, कभी मुरझता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, ठीक है, इस प्रकार के कंडीशन में वो रहता है। तो अभी पॉइंट यहाँ पे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्रेम जो है बिल्कुल इसी लाइट हाउस की तरह होता है। उनके ऊपर कितनी बाधाएं आए, उनके ऊपर कितनी चैलेंज आए, उनके ऊपर कितना मुश्किल आए, उनके ऊपर कितनी सारी जो प्रतिकूल परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, एक जगह पर स्टैंड होकर के रहेंगे, वो कभी भी हिलेंगे नहीं और वो कभी भी मतलब वो इधर उधर नहीं होंगे। द पॉइंट कंपेयर्स ट्रू लव विथ द पोल स्टार विथ रिमेन्स फिक्सेड इन इट्स प्लेस अमिडस्ट स्ट्रॉम एंड चेंज। तो यहाँ पे ट्रू लव को और एक वस्तु के साथ, यानी पोल स्टार ध्रुव तारा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसी के साथ तुलना किया जाता है कि वो एक जगह पे फिक्सेड होकर के रहती है ताकि वो भी क्या कर सके, लोगों को दिशा निर्देश दे सके। इट इज दिस स्टार विच गाइड शिप ऑन देयर प्रॉपर रूट्स। ये भी जो स्टार है वो क्या करती है, जो शिप के जो साइलर्स होते हैं उसको गाइड करती है। ट्रू लव लाइक विच शोस द लव द पाथ ऑफ अ नोबल एक्शन। इट इज पॉसिबल टू मेजर द हाइट ऑफ अ पोलर स्टार बट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट्स वर्थ एंड क्वालिटी। हम जो पोल स्टार होता है, ठीक है, उसको कभी नाप नहीं सकते, इसका गहराई कितना है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ठीक है। इसी प्रकार जो सच्चा प्रेम को कभी नापा नहीं जा सकता, उसी को कभी उसका क्वालिटी इतना गहरा होता है, उसका क्वालिटी इतना बड़ा होता है, जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, जिसको कभी नापा नहीं जा सकता। सिमिलरली इट मे बी पॉसिबल टू मेजर एंड फैथ होम डेप्थ ऑफ ट्रू लव बट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट्स ह्यूमन वार्म्थ एंड क्वालिटी। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द स्पिरिचुअल कंटेंट ऑफ द लवर्स, है ना। लवर्स के जो आत्मिक कंटेंट होता है, उनके जो प्रेम का विचारधारा होता है, उनके एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, उसी को क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो ये था दो एग्जाम्पल, मतलब दोनों विषय के साथ वो तुलना करते हैं। एक तो लाइट हाउस से सच्चे प्रेम को तुलना किया और दूसरा है जो ध्रुव का तारा जिसको हम कहते हैं पोल स्टार, इसी के साथ भी वो ट्रू लव को क्या करते हैं, सच्चा प्रेम को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसी के साथ अभी नेक्स्ट वो यही कह रहे हैं कि क्या चीज प्रेम को तोड़ नहीं सकता, ठीक है, ऐसे क्या क्या चीज जो है वो प्रेम को तोड़ नहीं सकता। टाइम डिस्प्रेस एवरीथिंग, वन हु इज बोर्न मस्ट डाई, नो वन इज फ्री फ्रॉम द साइंथ ऑफ टाइम। ओके, समय चक्र से कोई भी नहीं बच सकता। अगर समय सब कुछ छीन करके ले लेता है, ठीक है, समय सब कुछ नष्ट भी कर देता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म हुआ है तो मरेगा जरूर। इट रिप्स ऑल सुनर और लेटर, टाइम हैज ब्यूटी इज ए नाइन डे वंडर, द माइटेस्ट ऑफ ब्यूटीज मस्ट डाई वन डे, टाइम हाउ एवर हैज नो पावर ऑन ट्रू लव, टाइम कैन नॉट किल इट, ट्रू लव इज इमोर्टल एंड इटर्नल, ट्रू लव लाइफ बियॉन्ड टाइम। ओके, ट्रू लवर्स लिव बियॉन्ड टाइम। टाइम कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, टाइम कैन डिस्ट्रॉय योर ब्यूटीनेस, है ना। जवान के समय पे आप बहुत सुंदर दिखेंगे, लेकिन जब समय बढ़ जाएगा मुरझा हुआ चेहरा दिखेगा आपका, आपका शरीर, है ना, वो धीरे धीरे बदलता जाएगा, आपका सिचुएशन
धीरे धीरे बदलता जाएगा। समय सब कुछ को क्या कर देता है, बदल देता है। लेकिन जो ट्रू लवर्स होते हैं है ना, समय कभी भी उनके लव को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, सब कुछ इमोर्टल है, मतलब सब कुछ क्षणीय है, क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बट द ट्रू लव इज इमोर्टल। इसको अक्षय कहा जा सकता है, यानी ये कभी भी क्षय नहीं होगा। द पोएट रिट्रीट्स हिज व्यूज इन द लास्ट टू लाइन्स। ही कैनॉट थिंक ऑफ बेटरिंग हिज फ्रेंड एंड बिलव्ड इफ ही इज नॉट ट्रू टू हिज लव एंड फ्रेंड। There is no problem in the world true and sincere in love and friendship. The poet totally correct about his views on true and sincere love. ठीक है, कभी अंतिम दो पंक्तियों में अपने पूर्व कथित विचार को पुनः दोहराता है। ठीक है, यह अपने मित्र से कभी विश्वासघात नहीं करता, वो उसे बेवफाई की बात सोच भी नहीं सकता। अगर कभी का अपने मित्र के प्रति स्नेह पा प्रेम सच्चा नहीं, तो कभी का विश्वास है कि विश्व में किसी के प्यार सच्चा नहीं है। सच्चे प्यार के बारे में कभी की धारणा सतत सत्य है। तो कभी मेरे हिंदी का एक ट्रांसलेशन था जो उसको आपको पढ़ करके सुनाया है, तो इससे आप समझ गए होंगे, यू माइट हैव अंडरस्टूड। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, दो बात को आप ध्यान रखें इस लेसन में, एक तो मोर्टल है, एक तो इमोर्टल है। दुनिया में हर चीज़ जो इमोर्टल है, लेकिन लव एक ऐसा चीज़ है जो इमोर्टल है, यानी नष्ट होने वाला चीज़ है। संसार में आपके धन संपत्ति वो भी नष्ट हो जाएगा, आपकी जवानी वो भी नष्ट हो जाएगा, आपका हार्ट अच्छा शरीर वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ट्रू लव जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये था समरी और इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो में मैं पोएम को रीड करूँगा और साथ ही साथ मैं उसका जो क्रिटिकल एनालिस है, राइनिक स्कीम है, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।